गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की खास रिपोर्ट। चौचकपुर में बना मौनी बाबा का धाम आस्था का केंद्र। खबर है गाजीपुर जनपद के चौचकपुर में बना आस्था का केंद्र मौनी बाबा का धाम, जहां पर तीन बिंदियों अनुसार बताया जाता है कि गंगा उस पार की एक दही बेचने वाली गंगा किस पार बेचने आई थी। रात हो गया, शाम 6 बजे के बाद नाव का संचालन का बंद हो गया था, तो अभी सारे घबराने लगी, हम किस तरह से उस पार जाएंगे। वह बैठकर रो रही थी, तभी वहां पर मौनी बाबा पहुंचे। उन्होंने पूछा क्या बात है, उसने कहा कि हमको घर जाना है, जरूरी है, कैसे मर जाऊंगी। तो बाबा ने कहा कि तुम घर पहुंच जाओगी, लेकिन बताना मत किसी से कि ठीक है। बाबा आगे आगे चलते गए, यह पीछे पीछे आ गई गंगा उस पर पहुंच गई। जब घर पहुंची तो उनके पति व परिवार के लोग गुस्से में लाल होकर उन्हें बोलने लगे कि तुम रात में कैसे आए हो, कौन लेकर आया है। तो उस दही बेचने वाली अहिरनिया माता ने बताया कि हम बता देंगे। जिद करने लगे लोग परिवार के, वह बेचारी सुबह 7 विवाह कर आई, बता दी कि हमको इन्होंने ही पहुंचाया है। तब तक बाबा जी वहां से गायब हो चुके थे और वह दही बेचने वाली माता पत्थर बन गई। इसलिए इस चौचकपुर धाम में मौनी बाबा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आइए हम दर्शन कराते हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आज चौचकपुर गांव में आया हुआ, चौचकपुर बाजार में आया हुआ हूँ, जहाँ एक अच्छा स्थान, दर्शनीय स्थान मुझे दिखाई दिया मौनी बाबा जी का। तो आपसे सर मैं ये जानना चाहूँगा गुरु जी कि यहाँ का चमत्कारी कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो लोग इसके बारे में जाने। जी जी, गाँव है ये, मैक्सिमम 1200 वर्ष पहले का ये मठ है, क्योंकि देखिए इस समय वर्तमान में 21वीं पीढ़ी चल रही है। तो अगर आप 60 का भी जनरेशन रखते हैं तो 1200 साल से आगे निकल जाएगा। उस समय की बात है कि अहिरनिया माता उस समय दही बेचने के लिए उस पार से इस पार आती थी। जी, बदलती ये है कि कोई कहता है कि दुल्हन का फूल उनके दही में गिर गया या ज़्यादा बिक्री उस दिन हुई और दही और उनको बेचने में ये समय हो गया सूर्यास्त हो गया। और सूर्यास्त के समय, उस समय ये नियम था कि सूर्यास्त के बाद कोई भी मल्ला गंगा मैया को इस पार से उस पार नहीं करा रहा करता था। अन्य माई जाके मल्लाहों से कहीं भी तरह उस पार पहुँचा तो बोले कि नहीं, नियम तो नहीं तोड़ेंगे, तो वो आकर रोने लगे। मौनी बाबा के कान में उनकी रोने की आवाज़ पहुँची, आके देखते हुए आए और कहे कि माँ क्यों रो रही है। उन्होंने अपनी पूरी वृत्तांत बतला दी कि ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे उस पार जाना है। तो बोले कि ठीक है, चलो मैं तुमको इस पार को पहुँचा दे रहा हूँ, लेकिन एक आदेश है मेरा कि इस बात को आपको किसी के सामने व्यक्त नहीं करना है, बताना नहीं किसी को, बताना नहीं। तो उनके साथ वो तो इस स्थिति में थी, किसी भी तरह हम उस बात को बचते हैं। बोले कि नहीं ठीक है, हम किसी नहीं बतलाएंगे। नहीं तो उन्होंने कहा कि अगर बतला दोगे तो पत्थर हो जाओ। जी, बोले कि ठीक है, हम नहीं बतलाएंगे। मौनी बाबा के साथ अहिरनिया माँ आई यहाँ पर, माँ गंगा का पूजा अर्चन किए मौनी बाबा, और उसके बाद वो जमीन गंगा जी के उस पार चलते गए। अच्छा, वो स्थान यहीं से था? यही था। जैसे कैमरा मैन घुमा के दिखा लीजिए वो स्थान, देखिए यही अहिरनिया माता माने यादव की कोई वृद्धा रही जो दही बेच रही थी। बाबा जी के बताने के अनुसार से वो दही बेचती थी और बेचते बेचते उनको इतना काफी दही उनकी हो गई। गंगा जी का पूजा अर्चन किए और करने के बाद गंगा माँ के ऊपर ऊपर वो चलते गए। अहिरनिया माई तो पहले डर गई, यार मैं कहीं डूबने जाऊँगी, लेकिन मौनी बाबा बोले माँ तू आ डर मत, और लेकिन चल रही है और उस पार सामने गाँव आपको दिखाई दे रहा, लेकिन चल रही है और उस पार सामने गाँव आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, फ्रंट गाँव यही गाँव देखिए, सामने का गाँव है सर, वहाँ भी काफी मंदिर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शंकर जी का मंदिर है। जी जी, हाँ, घर है। और मौनी बाबा उस पार पहुँचने के बाद किसी से कहना मत, अहिरनिया माँ बोली कि नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कहूँगी, क्या मौनी बाबा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अहिरनिया माँ अपने घर जाती हैं। तो यादव जी जो पहले से ही गोली डंडा लेकर बैठे थे, कहाँ गई थी? कहाँ नहीं गई तो थी, इस समय कौन मल्ला तुम्हें छोड़ा और इतना लेट क्यों हुआ? बोले कि दही मैं बेचने में मुझे लेट हो गया। बोले ठीक है, बेचने में तो लेट हो गया, कौन मल्ला है जो कि इस पार से उस पार लाया, क्या ये तो मैं नहीं बतला पाऊंगी। अहिरनिया माँ के चरित्र पे काफ़ी लांछने लगा। तो अहिरनिया माँ बोली कि ऐसा है कि जो संत जी थे उन्होंने कहा किसी से बताना मत,
ये तो नहीं कहा कि मिलवाना मत। उन्होंने कहा, अहिया माँ बोली कि ऐसा कि मैं बता तो नहीं सकती हूँ, कल सुबह आपको मिलवा देंगे। तो वहाँ जो बुजुर्ग वगैरह थे उन्होंने कहा कि जब बोल रही है कि मिलवा दूंगी तो रहने दो, मारो मत। किसी भी तरह वो मान गया, यादव जी मान गए। और उसके बाद सुबह जगने के बाद फिर यहीं पे आते हैं लोग और काफ़ी मौनी बाबा को ढूंढते हैं, क्योंकि मौनी बाबा था मिलने वाले थे। अंतोगत्वा अहिया माँ को बतलाना ही पड़ा और अहिया माँ का पत्थर हो जाना यही पुनः मतलब कि विशेष यहाँ का। अच्छा, वो अरिनिया माता जी जो पत्थर हुई थी वो यहीं हुई थी और उनकी मूर्ति आज भी है? मूर्ति नहीं, समाधि है। समाधि है। धन्यवाद गुरु जी इसके लिए।